वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास नाइन्थ, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट टू, साइंस। क्या दिया आपका? गैस लिक्विड स्टेट दिया हुआ है, यानी लिक्विड की जो स्टेट होती है इसके बारे में जानते हैं अपन लोग। वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड वी हैव द फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड होता है उसका फिक्स शेप होता है, बट जो उसका शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, और उसकी क्या होती है, क्या कहते हैं उसका, जो वैल्यूम होता है वो फिक्स होता है। नो क्या लिखा हुआ, देखिए आपका लिखा नो, यानी लिक्विड हैव द नो फिक्स शेप, उसकी जो साइज होती है फिक्स नहीं होती है, क्या होता है वैल्यूम बर्स फिक्स होता है। मीन्स जैसे उसको हम जिस पात्र में डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है, आपका लिक्विड होती है। इसी तरह आपका क्या दिया हुआ, आगे दिया है 1.4 एक्टिविटी में देखना है और 1.5 एक्टिविटी में लिक्विड के हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आपका लिक्विड स्टोर होता है, ये आपका रहता है। जो आपका नेक्स्ट है आपका कौन सा दिया, देखिए आपका द गैसी स्टेट दिया, गैसी स्टेट भी होता है। गैसी स्टेट का जो होता है गैस, हम लोग किसमें, जैसे आपका सिलेंडर होता है और किसमें भरा होता है, बैलूम में हम लोग गैस भरते हैं, वो गैस होता है। बी ऑब्जर्व द बैलूम स्मॉलर द फिलिंग्स द लार्ज नंबर ऑफ द बैलूम फ्रॉम द सिंगल सिलेंडर गैसेस इक्वायर फ्रॉम हिम द हाउ मैनी बैलूम्स इज द एबल्स टू फिल फ्रॉम द सिलेंडर आस्क हिम चेंजेस डज हैव इन द सिलेंडर। जो आपका गैस होता है क्या सिलेंडर में भरे होते हैं, जैसे आपका देखिए घरों में यूज करते हैं सिलेंडर, LPG होता है, लिक्विड फाइव पेट्रोलियम गैस होता है, या सिलेंडर भरे होते हैं, तो इसके आपके लिक्विड स्टेट होता है, सॉरी गैसी स्टेट होता है। और लिक्विड स्टेट क्या होता है आपका, जो उसमें भरते आपके द्रव होते हैं, जैसे आपका पानी हो गया और आपका मिल्क हो गया और ऑयल हो गया, सब क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में होते हैं। गैस में जो हम लोग गैस होती है, बी ऑब्जर्व द अबव दैट द गैस ऑफ द हाई प्रेशर लेवल, यानी जो कंप्रेस लेवल होती है, मीन्स आपका जो गैस होती है ज़्यादा कंप्रेस होती है, उसको ज़्यादा देर तक फैल जाती है, विसरण गुर होता है, कंप्रेस टू द सॉलिड एंड द लिक्विड्स। ये क्या होती है, कंप्रेस होती है सॉलिड टू लिक्विड में, टू लिक्विड द पेट्रोलियम गैस LPG होती है। इसका फुल फॉर्म दिया हुआ, इसको आपको करना है। ये आपके दिया हुआ, देखिए सिलेंडर होता है दैट वी गेट इन आउट आवर होम फॉर द कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल। हम लोग LPG के गैस को क्या करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं खाना बनाने में, और ऑक्सीजन का सप्लाई किस में होता है, हॉस्पिटल में होता है, सिलेंडरों में करते हैं। इसी तरह आपकी CNG होती है, यानी CNG फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, यूज विद द फुल फ्यूशियल, यानी हम लोग किसको ईंधन के रूप में कहते हैं, व्हीकल्स में करते हैं। ड्यू टू इट्स ऑफ द हाई प्रेशरेबिलिटी लार्ज बैलून्स ऑफ द गैसेस होता कैन बी द कंप्रेस इनटू द स्मॉल सिलेंडर में, इसको करते हैं ECL से, यानी इसको सिलेंडर में भर लेते हैं अपन लोग। तो आपका क्या होता है, ये वो होती है गैसी स्टेट होती है, ठीक है। आपके देखिए यहाँ फिगर चित्र में बने हुए गैसी स्टेटों के बारे में दिया हुआ आपका सॉलिड के, जो आपका साइज होती है, जो उसके यानी एटम्स होते हैं, क्या होते हैं पास होते हैं, और जो गैस के होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए गैस क्या होता है दूर दूर होते हैं उसके। और ये नेक्स्ट दिया है आपका क्या दिया है, लिक्विड के और गैस के, इसके देखिए इनके दिया हुआ इनके चित्र में देखेंगे आपका दिया हुआ, ये चित्र दिया है इसमें आपके दिए हुए इनके साइज और आकार के आधार पर इनके दिए हुए हैं। तो आपका ये हो जाएगा गैसी स्टेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका देखना है, फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ कैन मैटर चेंजेस इन द स्टेट, यानी मैटर यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, स्टेटों को नहीं किया गया है, ठीक है। पहले का सॉलिड एज द आइस दिया हुआ, मीन सॉलिड मीन देखिए क्या होता है, बर्फ जो होती है हमारी सॉलिड, बर्फ जो हमारा वाटर होता है तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो सॉलिड में होता है एज द बर्फ के रूप में होता है, और गैस लिक्विड में होता है, पानी हम लोग जो यूज करते पानी होता है। और नेक्स्ट क्या दिया आपका, गैस में होता है जैसे वाटर वाइपर होता है, ये क्या होता है गैस में होता है आपका, ओके। तो फिर ये आपका होता है, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसका, देखिए जो दिया हुआ है आपका यहाँ पास ये, इसको आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको कन्वर्ट करना, जो आपके सॉलिड होते हैं इसको कन्वर्ट करना। देखिए यहाँ दिया हुआ है 0°C किसके 273, ये आपका दिया हुआ है, तो आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है, तो इसको आपको देखना है, एनर्जी कंप्रेस होती है, ठीक है। इसको आपको चेंज करने के लिए फॉर ये दिया, फॉर द वाटर टेम्परेचर 373, देखिए जैसे आपका 373 केल्विन हुआ, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100°C होता है, और आपका 0°C आपके 273 केल्विन के इक्वल होता है, तो इसको आपको यानी चेंज करना है,
ठीक है। फिर सॉलिड, देखिए आपका यहाँ नीचे दिया हुआ सॉलिड को जब हम लोग बर्फ़ को गर्म करते हैं, ये आपका इधर दिया, ये आपका फिगर में देखिए दिया हुआ, तो आपको बर्फ़ को हम लोग जब गर्म करते हैं सॉलिड स्टेट से किस में आता है, लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड से किस में आता है, गैस में आता है। फिर इसको अगर कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं किससे, गैसी स्टेट से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट से किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, इस तरह आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका ये बर्फ़ होती है। ठीक है, इसके देखिए क्या इफेक्टिव चेंजेस ऑफ द रिफर्स दिया है, क्या लिखा है इफेक्ट फॉर द चेंज ऑफ द प्रेफरेंस, तो आपका ये लिखा हुआ है, तो ये आपका तो इसका देखते हैं इफेक्ट क्या होता है, मीन्स आपका प्रेशर होता है, ये लिखा है इफेक्ट फॉर द चेंज ऑफ द प्रेशर। देखिए जो प्रेशर का है इस पर क्या चेंज होता है, प्रेशर मीन्स होता है दाब होता है, प्रेशर मीन्स क्या होता है दाब होता है, दाब का इफेक्ट क्या होता है इसके, यानी जो चेंजेज होता है दाब का कैसे परिवर्तक होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर आपका क्या दिया है, इवेपोरेशन दिया है, वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग को करना है, वाष्पोत्सर्जन दिया है तो इवेपोरेशन के बारे में आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आपके ये हैं, और आपका ये क्या दिया हुआ है, ये इधर देखिए आपका क्या दिया है, देखिए जो दिया है सॉलिड में, ये क्या दिया है, ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस दिया, इनको अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाटर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका देखिए आपके ये दिया हुआ एक्टिव इसमें दिया हुआ ये है फिगर 1.9 में दिया हुआ, तो इसको चेंज कर देंगे। फिर आपको इवेपोरेशन होता है, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं वाटर का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, एक वाटर साइकिल चलता है, मीन्स उसको क्या करते हैं क्रम से चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को उसमें, एक वाटर साइकिल कैसे चलता है, जो हमारा पानी वर्षा होती है और ये क्या होता है नीचे आता है, नीचे से क्या होता है वाष्पोत्सर्जन होकर के क्लाउड में बादल में जाता है, फिर उससे बारिश होती है, वाटर इवेपोरेशन होता है, इसी तरह का होता है आपका। ठीक है, तो आप लोग को इसको कर लेना है। फिर आपका इधर दिया हुआ है, आपको इस तरह चैप्टर कर लेना है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिएगा। थैंक यू।